एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे शाम के 5:45 का टाइम और हम लोग निकल रहे हैं कहीं। कहाँ निकल रहे थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि मैं ही नहीं जा रही हूँ, ये मैं, बच्चे और दीदी, बड़े वाले भैया जी, हम चारों ही जा रहे हैं और दो बच्चे, तो 6 हो गए वैसे तो छुटकू से। तो अभी बस निकल रहे हैं, मिलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये निकल चुके हैं, ये जा रहे हैं गाड़ी उठाने के लिए। हम रास्ते में मिलेंगे, क्योंकि अंदर तक गाड़ी लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस मिलते सीधे आप लोग से थोड़ी देर में। जय गुरु जी। कितनी अच्छी शिवलिंग बनाई है। क्या बनाई है? शिवलिंग। वाह, गुरु जी के अंदर बहुत शक्ति है। कितनी बड़ी शिवलिंग है ना वो देखो सामने। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, बट जिन्होंने गेस नहीं किया उन्हें बता दो कि हम लोग आए हैं बड़े मंदिर, यानी कि गुरुजी का आश्रम, जो कि छतरपुर में पड़ता है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बहुत जल्दी पहुँच गए, क्योंकि रात के समय हम लोग निकले थे और यहाँ रात का ही डेरा होता है, तो रात के समय निकले हम लोग। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, दीदी हमें लेके आई हैं, क्योंकि दीदी बहुत बार आ चुकी है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। क्योंकि हमें आना बहुत टाइम से था, लेकिन हम आ नहीं पाते थे। और यहाँ पर सब लोग अपने अपने चप्पल कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर टोकन मिल रहा है, उसमें बास्केट के अंदर सबकी चप्पलें रखी जा रही हैं। अभी तक हम लोगों ने एंट्री नहीं की थी, हमें नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट जब गाइज हम लोगों ने अंदर एंट्री लिया ना, तो मतलब बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग थी। एक होता ना बिल्कुल प्योर शांति और ये सब चीज़ें, बहुत अच्छा वाला वाइब आ रहा था। तो चलिए अंदर चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को फ़ोन अलाउ नहीं करते, यहाँ तक हमें पता था, बट आगे जाके सच में ही फ़ोन अलाउ नहीं था बिल्कुल भी। तो जितना भी हो सका हम लोगों ने आपको दिखाया है। तो चलिए चलते हैं फटाफट अंदर। जस्ट मैं घर पहुंची हूँ अभी, और जितना हो सका उतना ही कर पाया, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हम तो फर्स्ट टाइम गए थे, बट सुना था कि फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, देखा भी कि हाँ सच में ही अलाउ नहीं है। बट बहुत अच्छा लगा, हम फर्स्ट टाइम बड़े दरबार, बड़े मंदिर गए थे, और बहुत सुना था, आज फाइनली देख भी लिया। मात्र 1 घंटे में, मतलब भाई साहब कह रहे थे, बड़े वाले भैया जी कह रहे थे कि 1 घंटे में तुम निपट गए, बहुत बड़ी बात है, वरना बहुत भीड़ होती है। और सच में हम बहुत जल्दी जल्दी निपट गए, हमें दरबार में बैठने का मौका भी मिला, हमने प्रसाद भी खाया, और लिटरली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी। बस गुरु जी हमें बुलाते रहना ऐसी, तो यही बोलेंगे। और हम लोग चादर, हम लोग आ चुके हैं सारे घर, पूर भी थक चुकी है ना को, मिलते थोड़ी देर में, क्योंकि खुश और ये तो गाड़ी पार्क करने चले गए, वहाँ से बाइक उठा के फिर वापस आएंगे, और हम लोग आगे पैदल चलते हुए थोड़ी दूर से तो घर पहुंच चुके हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो नमस्ते कर रही है, क्योंकि कुहू रात को बिना खाना खाए सो गई थी, और फिर जब उठी है तो क्या हुआ था कुहू रात को? भूकंप। हाँ भूकंप भी लगा था, सब भूकंप आया है, पता नहीं आया नहीं आया, आई डोंट नो। आया था ना, हमारी ड्रेसें खेल रहे थे रात को 12 बजे आया था। 12 बजे दोबारा जब तुम इसको वॉशरूम ले गए थे गोदी में, तब की बात कर रही हूँ। 8:30 बजे वाली बात थोड़ी कर रही हूँ, उस टाइम सब जगे हुए थे। रात को क्या हुआ, को उठी है, इसको भूख लगी है कि मुझे कुछ खाना है, उठ के कह रही मुझे दूध ब्रेड दे दो पापा। मैं तो सो रही थी, मुझे पता नहीं कब ये उठी, कभी से दूध ब्रेड खाई और फिर दोबारा सो गई। पापा ने रात भर रहा उठ के फोन चला रहे थे। पापा जैसे 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 मैं उठ रहा था ऐसे फोन से वो चला रहे थे। कंप्लेन कर रही है, सही बोल रही है, रात भर फोन चला रहे थे, गंदी बात होती है। बोलो आप सो, फिर सोओगे कब? फिर आपको बोला नहीं गया सो जाओ? कभी इतने लेट उठते हैं? आपको फोन छूना चाहिए, हमेशा जल्दी उठते हैं आपसे पहले। आपको फोन छीन के रख देना चाहिए था। हाँ, फिर से चला रहे थे, मैं सो रहा था तो
गलत बात है, आप रात को फोन मत चलाया करें, तो कोई कंप्लेंट कर रही है, सही बोल रही है वो, देर तक उठते कभी रात को कर लेता। और जाके वहाँ कैसा लगा, आश्रम जाए कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो हम लोग कल आश्रम गए थे, बहुत अच्छी मतलब बहुत ही अच्छा लगा जाकर के, फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग, बहुत टाइम जाना था। आपको कैसा लगा था? बहुत बहुत बेहतरीन अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, गुड वाइब्स आ रही थी, पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा थी। जो लोग ना गए वो एक बार जरूर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि शायद ही अब कोई होगा जो नहीं गया होगा आश्रम, तो मतलब बहुत अच्छा लगा था। हम इतना शूट वहाँ पे फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हमें पता था अलाउ नहीं है, फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा बहुत बैठे। कभी कभी जब अंदर हमने एंट्री करी तो वहाँ पे लोगों ने देख लिया, तो उन्होंने कहा प्लीज फोन अंदर रख लीजिए। सही बात है, वहाँ फोन चलाओगे या फिर आप गुरु जी का ध्यान करोगे तो फिर वही है कि फोन। गुरु जी ने कहा था कि जूते वाली बात, हाँ वो सबको पता है कि वहाँ पे रूल है कि जूते उतारने के साथ अपने अहंकार को उतार करके आओ। और दीदी तो बहुत सालों से जाती है, बट मैं आज फर्स्ट टाइम मतलब गए थे हम लोग कल, और मतलब बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग थी। और हम गुरुजी से बोल के, गुरुजी फिर से बुलाना, क्योंकि जरा दूर भी नहीं है, उसके बावजूद हम नहीं जा पाते थे। बस ये बुलाने वाली बात, जब वो बुलाएंगे तभी आप जा सकते हो। उन्होंने बुला भी लिया सपनों में आके, चलो हम रियली लग गया। अरे वो तो आपको बुलाया था ना जब, हाँ हम हमारे जाने के पीछे रीजन ये था कि इनको सपने आ चुके दो दो बार, ये उनका सिंहासन देख रहे थे जहाँ पे वो बैठे रहते थे, और वो सब कुछ इनको दिख रहा था, जबकि रियली में इन्होंने कभी देखा नहीं था। तो दीदी को एक्सप्लेन करा कि इन्होंने ऐसे से कुछ देखा, तो उन्होंने कहा आपको बुला रहे हैं वो। और हम कब से मतलब सोचो कि 8-9 महीने से हम जाने के सोच रहे थे, हम जा नहीं पा रहे थे, लेकिन फाइनली हम लोग आज कल चले ही गए। और बहुत मन हुआ है धैर्य दोबारा जाने का, और फिर जाने का मन है। कुहू को तो भंडारा खाने का मन है, कह रही मम्मी कल भी आएंगे भंडारा खाने, बहुत टेस्टी था भंडारा रियली। और पहले शायद ऐसा रूल था कि एक थाली में चार लोग खाते थे, बट कोविड के बाद आई थिंक उन्होंने सेपरेशन कर दिया सबका, जो भी था जैसा था बहुत अच्छा था। और दोबारा जाने का मतलब बार बार जाने का मन है कि जब भी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट हो चुकी है सर्दी का सारा सामान निकालना, और अभी ये सारे सर्दी का सामान निकाला बच्चों की ना, निकाल दो क्या निकाल दो, कंबल, कंबल भी निकाल दो, कंबल भी निकालना यार। और कुछ क्या निकल गया, हमारे यहाँ कमर अब तक निकला नहीं है। हाँ पापा मतलब हो सकता है भाई, हमारे यहाँ भी ठंडा ही नहीं है। अरे अपने यहाँ दीदी दीदी सबने निकाल दिया, हम ही रह गए अभी तक निकालने के लिए। तो फिलहाल आज संडे है, तो आज भाई सारा यही काम करना था, क्या रखना है क्या निकालना है। तो अभी सारे मैडम ने अपने सारे स्वेटर वाटर निकाल लिए। ये किसने दिया था आपको, ताऊ ने दिया था आपको? अच्छा जी। और ये हाँ, तो अभी भी आती होगी, आप ही को पहनना, आप ही कुछ करना है निकालना है मेरा, तो मेरी जैकेट निकाल दो ना, जो मैंने तुमसे कहा मेरी ब्लू वाली जो पॉलिस्टर वाली जैकेट थी यार, सब सबका सामान मिल गया है, सबके कपड़े मिल गए, एक मेरी जैकेट है जो मैडम को भी तो मिल नहीं रही है। बाद में रखवाई तो मैंने इसमें रखवाई, मैंने कहीं और रखवा दी यार। मेरे ही साथ क्यों ऐसा, मेरे ही साथ क्यों। सो गाइस सडनली बैठे बैठे क्या हुआ, हम लोग का प्लान बन गया मार्केट जाने का, इन्होंने कहा चलना है तो चल लो। तो मार्केट तो हमें चांदनी चौक जाना था, पर चांदनी चौक जाना नहीं हुआ है, तो मुझे एक दो चीजें और भी लेनी है जो कि मुझे लाजपत में ही मिलेंगी, तो मैं लाजपत नगर मार्केट जा रही हूँ, कुछ लेना था। और उस दिन हम जब गए थे तो बस सुमन का ही सामान आ पाया था, किसी का भी नहीं आ पाया था, तो उस दिन बहुत लेट भी हो गए थे हम लोग, इसलिए तो मैंने कहा चलो पहले हाँ मार्केट से होकर जाते हैं। खुश घर पे, क्योंकि खुश आ नहीं पाया उसे, आने का उसको आने का मन नहीं हुआ, क्योंकि कह रहा था मैं जिन दिन चांदनी चौक गया था ना मेरी हालत, मम्मी उस दिन खराब हो गई थी, आप लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी थी गाड़ी में बिठा करके पैदल चला करके, तो आया ही नहीं डर के मारे, बस कुहू आई है, कुहू का आना था इसलिए तो निकल चुके हैं थोड़ी देर पहले ही घर से। कुहू का लहंगा भी लेना है, तो हो सकता है यहाँ कुछ मिल जाए, कोई अच्छी सी ड्रेस मिल जाए, जैसे अनुवार का शक्कर मशक्कर जैसी। जैसे तैसे मार्केट पहुंच तो चुके हैं, बट आप देख लो शक्ल में 12 बज रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि कहीं भी पार्किंग के लिए गाड़ी की जगह नहीं मिल रही थी, हमने बस ऐसे ही खड़े कर दिया है, बस ये पता है कि कहीं ना कहीं टो ना हो जाए, बस ये डर लग रहा हुआ हम लोगों के मन में, और पछतावा तो भरपूर हो रहा है कि हम क्यों आए आज के दिन। चलिए आई गए, तब देखते हैं क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है, जो भी मिलेगा मैं आपको मिनी ब्लॉग में एक्सप्लोरिंग का बता दूंगी क्या क्या मिला क्या नहीं मिला। अभी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक।